वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने भी शांति एंड गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सारनाथ स्तूप देखने। गाइस ये वही सारनाथ स्तूप है जहाँ पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। लगभग 35 ईयर्स के थे वो, पता नहीं, गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मुझे उतना नहीं पता है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना। मुझे आपको एक मैजिक दिखाना है, ये देखो हम लोग वहाँ से सीधे यहाँ पे आ गए। एंड गाइस अब एक और मैजिक देखना, अभी ऐसे मोबाइल ऐसे जाएगा ना तो आपको एक प्यारा सा कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। अभी देखो 1 2 एंड लास्ट नंबर 3। गाइस ये रहा हम लोग का सारनाथ स्तूप। एंड पता नहीं ये साइड में, नहीं पता मुझे ये क्या है। एंड गाइस ये रहा सारनाथ, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सारनाथ का स्तूप, जो भी हो इसका जो भी नाम हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस ये वही है, अब हम लोग जाएंगे इसके पास, तो जाने में भी तो टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको बुद्ध के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वो युवा वर्ष में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। वो बहुत ज़्यादा साल तक भ्रमण करते 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 उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बिहार के एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी और उन्हें इस टाइम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एंड गाइस शायद से इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता था। यहीं पर सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तभी से ये इतना मतलब फेमस हो गया था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सारनाथ स्तूप के पास। देखो आप अभी हम लोग जल्दी चलेंगे और एकदम इसके पास पहुंच जाएंगे। देखो पहुंच भी गए तो गाइस देखो कितना ही बड़ा है। इनफैक्ट ये अभी तक बंद रहा है, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए जो भी किया गया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस नेक्स्ट जब बताना ज़रूर कमेंट में कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का चाहिए। सो बाय बाय। मोहब्बत सारे ना तू बनाया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम बनाया।